हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन के साथ मेरा भी व्लॉग शुरू होने वाला है, तो देखते रहिएगा और हमारे साथ रहिएगा। और आप सभी को पौष संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो जो मेरे व्लॉग बाहर से देख रहे हैं, उन सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग आज के दिन घर पे पीठा बनाते हैं। वो बंगाली का अलग से एक फूड होता है, मैं आपको ज़रूर बनाते हुए दिखाऊंगी आज। और सुबह सुबह अनुषा फिलहाल यहाँ पे उठ चुकी है, और अनुषा के जो चाचू है ऑनलाइन से कुछ मंगवाया था, लेकिन उससे पहले अनुषा के चाचू ने एक केक भी दिया था जो आपको दिखाया है, और ये सब ऑनलाइन से मंगाया था। बिकॉज अनुषा इतना ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मुझे चाहिए चाहिए, आप कुछ ला के दो, चिप्स ला के दो या कुछ ला के दो। तो इतना ज़्यादा ज़िद करने के बाद अनुषा के लिए ये सब मंगवाया है। तो अभी तो मुझे पता नहीं है क्या क्या है, लेकिन उन्होंने कहा हाँ मैंने कुछ ऑर्डर किया है, आप पार्सल को पिक कर लेना। तो मैंने पिक करने के बाद अनुषा के चाचू को ही कहा कि तुम खोलो, मैं दिखाऊंगी क्या क्या तुमने लिया है। लेकिन फर्स्ट जो निकाला है वो बिस्किट था। अनुषा को एकदम पसंद नहीं है बिस्किट, उसे पसंद आया था ये चिप्स, जिसके लिए उसने थैंक यू भी कहा अपने चाचू से। सो आज की सुबह में फिर से बना है चना, उसके साथ रोटी, और उसके बाद घर के जो भी काम है वो मैंने कंप्लीट किया। और अनुषा को अभी फ़िलहाल नहला दिया है, और मैं वेट कर रही हूँ कि अनुषा को लंच करवाऊँ, उसके बाद अनुषा को मैं सुला दूँगी। दोपहर में रेस्ट करती हूँ, लेकिन आज नहीं हो पाएगा बिकॉज़ हमें घर के लिए पीठा भी बनाना है, उसका रेसिपी भी मैं आपको दूँगी। फ़िलहाल ये देखिए, नहाने के बाद अनुषा ने अपना हालत क्या किया है। मैंने आज सुबह ये वॉशिंग मशीन में डाला था ये जो कपड़ा अनुषा ने पहना है, लेकिन पता नहीं अनुषा को ये लिपस्टिक कहाँ से मिला था। इसका जो हालत किया है ना, पूरा नया लिपस्टिक था, क्या ही बताया है। यहाँ पे अनुषा बोल रही है कि मुझे और एक लिपस्टिक चाहिए, तो और तो नहीं मिला उसे। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन से दूध मंगाया था पीठा के लिए, तो ऑनलाइन से आया था और बहुत अच्छी क्वालिटी में आया था। इवन प्राइस बहुत ज़्यादा कम था नॉर्मल जो आपको दुकान में मिलता है। उसके साथ ये जो हजमोला है ये फ्री गिफ्ट में मिला था, ऐसा नहीं है मैंने कुछ ऑर्डर किया था। अनुषा के लिए चॉकलेट, दूध और बस हजमोला हमें फ्री में मिला था। के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया है। अभी फ़िलहाल नारियल मैं छील रही हूँ, और अनुषा की दादी यहाँ पे पीठे की तैयारी कर रहे हैं। तो पीठे जो राइस के फ्लावर राइस के जो पाउडर होता है उससे बनता है, तो अलग अलग प्रोसेस में बनता है, लेकिन ये हम लोग जो अब डो बनाए हैं ये राइस पाउडर से बनाए हैं, तो उसी से छोटा छोटा पीस करके बना रहे, ये दूध में डाल के बनाएंगे। तो बहुत सारा यहाँ पर हो चुका है, और मैं जब यहाँ पे शादी होके आई थी मुझे पता चला वो लोग अलग से कुछ पीठा बनाते हैं, ये सिर्फ भगवान जी के लिए मुझे पता नहीं क्यों देते हैं, लेकिन कुछ एनिमेटेड डॉल्स या एनिमल कुछ भी हो बनाओ, इनको भगवान जी को अर्पण करना पड़ता है। चार मैंने फूल बनाया था लास्ट ईयर, इस बार मैंने लिजर्ड बनाया था, शायद एक डॉल बनाया था, एक मछली बनाया था, और कुछ पेंगुइन जैसा कुछ बनाया था, मुझे पता नहीं है क्यों। लेकिन स्टेयर मैंने बहुत मज़े से बनाया था बिकॉज़ अनुषा के पापा ने भी मुझे हेल्प किया था, उन्होंने कुछ बनाया और मैंने कुछ। तो जो छोटा छोटा पीसेस बनाया था राइस फ्लावर की, उसे पीठा बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर दूध बॉयल कर रहे हैं। दूध को खीर जैसे बॉयल करना पड़ता है, इसमें गुड़ डालना पड़ता है, कोई कोई चीनी देते हैं, तो इससे पीठा बनता है और अलग अलग शेप में बनता है। कोई कोई पीठा राइस पाउडर को जब आप डो जैसे बनाते हैं उसमें नारियल के स्टफिंग डाल के अलग अलग प्रोसेस में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हमारे डॉल्स है वो बनाते हुए मैं चली गई थी वीडियो करने के लिए, तो अभी आके मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चार बनाना पड़ता है और एक जो घर के नॉर्मल पीठे होते हैं ये देना पड़ता है, तो पता नहीं क्यों क्या रीज़न है इसके पीछे। तो मेरी सास ने जो पीठा बनाया है छोटा छोटा साइज़ में जो प्लेट में रखा है ब्लू कलर का,
वो अब बंगाली में बोलते हैं चूसी पीठे, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन इसे बोलते हैं चूसी पीठे। और ये बहुत छोटा छोटा बनता है, इसमें कुछ अलग से इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए होता है, लेकिन हम लोग और एक पीठे बनाएंगे, और दो या तीन और बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ये जो पीठे आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं चूसी पीठे। और जो जो बंगाली है उनको पता ही होगा कि ये कैसे बनता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। जो जो नॉर्मल अगर सिर्फ दूध में बना के खाते हैं चीनी के साथ, वो भी अच्छा बनता है, गुड़ में भी अच्छा लगता है। और फिलहाल आज हम लोग बनाएंगे गुड़ से। तो ये देख सकते हैं, ये पता नहीं मैंने कुछ अलग सा या कुछ पेंगुइन या कुछ बनाया था, कुछ बनाना पता है तो मैंने कुछ भी बना दिया, बिकॉज मुझे जल्दी जल्दी करना था। अनुषा फिलहाल सो रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि अनुषा अभी उठ जाए और आके पूरा जो भी मैंने बनाया है वो सब कुछ ख़राब कर दे। इसी वजह से अनुषा को मैंने सुबह से नहीं सुलाया था, ताकि जल्दी से वो अभी सो जाए और थोड़ा रेस्ट कर ले और हम लोग अपना जो भी काम है वो कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पे पीठे का जो भी डॉल बनना था वो हो चुका है। अभी मेरी सास आप लोगों को जो पीठा दिखा रहे हैं ये है, पहले तो मैदा दिया है, उसके साथ सूजी, उसके साथ दूध और चीनी मिलाया है, और थोड़ा सा जो होता है हमने अलग से दिया है, लेकिन सभी को देना पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा जो हमारा इलायची होता है उसका पाउडर हमने डाला है। तो ये जो मिक्स है, जो बैटर है, ये होता है हमारे पाटी शाप्टा पीठे के लिए। तो इसी के लिए हम लोग ये जो नारियल है उसको गुड़ में बहुत अच्छी तरीके से मिलाते हैं। तो नारियल को मैंने बहुत अच्छी तरीके से छील लिया था, तो अभी इस जो मैं डो बनाऊंगी उसके अंदर इसको स्टफिंग करके, उसके बाद जैसे हम लोग आलू के पराठे बनाते हैं वैसे ही स्टफिंग डालने के बाद थोड़ा शेप देना पड़ता है, और इसको हम लोग दूध में देंगे। जो खीर में हम लोग दूध में हमने पूरा दूध को खीर जैसा बना के उसमें गुड़ डाल के जो दूध होता है उसमें डालेंगे। पूरा खीर जैसा होता है और बहुत टेस्टी बनता है, तो उसका प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं और मेरी जो सास वो मैं यही बना रहे हैं ताकि ये जल्दी जल्दी हो जाए। और अभी तक अनुषा सो रही थी, अभी बज रहे हैं शाम के 6। सच बताओ तो हर साल इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ये पीठा बनाने में, तो हमको जो भगवान जी को भी अर्पण करना पड़ता है जो पीठा, वो देने में इतना ज़्यादा लेट हो जाता है, मैं क्या ही बताऊँ। पता नहीं हर साल हमारे हेल्प करने के लिए भी बहुत कोई होते हैं, लेकिन इस साल मैं और अनुषा की जो दादी है वही बना रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हो गया, मुझे पता नहीं कैसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कम क्वांटिटी में बनाया है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी था और बहुत जल्दी भी हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। ताकि भगवान भी चाहते थे कि जल्दी जल्दी उनको भी पीठा मिले इसी के लिए। तो अनुषा यहाँ पे उठ चुकी थी और उठने के बाद बोल रही थी कि मुझे भी देखना है, आप मुझे ऊपर उठा दो। और उठाने के बाद उसका जो मस्ती है वही चालू हो गया है, एक दो करके फेंकने लग गई है। तो क्या ही कह सकते, हमारा जो पीठा है उसका जो बैटर है दूध बॉयल हो चुका है, जो हमारा खीर है वो अभी बनने वाला है। तो इसमें हमने थोड़ा सा जो एक एक करके जो हमारा पीठा था वो बॉयल करने के लिए दे रहे हैं दूध में, उसके बाद हम लोग गुड़ ऐड करेंगे। तो जो हमने स्टफिंग करके जो पीठा बनाया था इसको बोलते हैं पूली पीठे, दूध पूली बोलते हैं, तो दूध में दूध में बनाते हैं इसलिए दूध पूली बोलते हैं। तो दो ही पीठे हमने दूध में डाल दिया है, दोनों ही दूध में बनते हैं, लेकिन एक में अंदर नारियल होता और एक में कुछ भी नहीं। और यहाँ पे हमने गुड़ दे दिया है, गुड़ से बहुत अच्छा एक फ्लेवर और उसके साथ बहुत प्यारा सा एक कलर आता है। हमारा तो एक कुकिंग चैलेंज तो है नहीं, लेकिन जितना भी हमारे घर पे होता है वही हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो इसकी जो रेसिपी है वो सब भी हम लोग नेक्स्ट ईयर या साल में कभी भी बना के दिखाएंगे। तो ये जो लास्ट में हमने दिखाया था बैटर बना के ये पीठे के लिए, ये होता है पाटी शाप्टा। तो इसको हम लोग रोटी जैसे बनाते हैं, पैनकेक जैसे,
उसमें नारियल डाल के तेल में फ्राई करते हैं। तो भगवान जी को भी हमने पीठा दे दिया है, देख सकते ढक के रखा है, और यहाँ पे अनुषा भी भगवान जी को देख रहे हैं कि पीठा दे रहे हैं। तो अनुषा ने तो एक भी ट्राई नहीं किया, उसको दूध से ही जैसे एलर्जी है, उसे एकदम पसंद नहीं है। तो मैंने जब फर्स्ट मैंने बोला था कि एक बार खा के देखो, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो दूध है, मुझे नहीं खाना। सो ये जो पीठा है ये मैं अपनी मम्मी के लिए लेके जा रही हूँ। रात के अभी बजे है 10:30 या 10 ऐसा कुछ, और रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तो पीठा मैंने ले लिया है। और घर आते आते काफ़ी लेट हो गया था, और हम जब वहाँ पे जाके पहुँचे मुझे पता चला मेरी मम्मी ने भी बनाया है, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारा पीठा दिया था वहाँ से। और इस टाइम क्या होता है, हर साल सभी के घर से सभी के घर पे पीठा आते हैं बंगाली में। ऐसा नहीं है कि हर एक हमारी घर पे ही बन रहे हैं, हर एक घर पे थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर बनते हैं, ये शुभ माना जाता है। तो हम लोग पीठा बनाते हैं, और यहाँ पे मेरे मम्मी ने पीठा ऑलरेडी दे दिया है। तो घर पे जाके रात का डिनर करने के बाद अभी मैं पीठे इंजॉय कर रही हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा है बताना मत भूलिएगा। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई यूट्यूब चैनल, और मुझे ऐसे ही ज़्यादा प्यार देती रहिए। आप मेरे साथ रहिएगा तो बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा है वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस अनुषा। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को।